नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताएंगे जो इस एकादशी पर करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, बरसों की निर्धनता दूर हो जाएगी, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं किंतु इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए तुलसी के नीचे बांधे ये चीज मां तुलसी का मिलता है। ढेर सारा आशीर्वाद माता लक्ष्मी होती है आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा यदि आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से ही लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। किंतु इसी के साथ ही, क्या आप जानते हैं तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर मां तुलसी का मिलता है आशीर्वाद? आपको वो सारी खुशी मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं, किंतु तुलसी के नीचे ये चीज बांधना है जरूरी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां तुलसी, जय मां लक्ष्मी, मां की कृपा सदा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं, संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है, इसी कारण तुलसी जगत जननी भी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में परिणित तुलसी के पौधे को अमृत का प्रतिरूप भी कहा गया है। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी त्रिदेवों का निवास होता है, और तुलसी की पूजा करने से महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा हुआ जरूरी हो जाता है। यदि आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई गलतियां कर देते हैं। वे तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं किंतु माता रानी को चुनरी नहीं ओढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। सदैव याद रहे, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, तुलसी पर चुनरी जरूर बांधनी चाहिए। तुलसी ना केवल एक पौधा है बल्कि ये हमारे माँ के समान है। कई घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है किंतु इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाते हैं, किंतु लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है, बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि है, इसलिए तुलसी जी को सफेद चमकीली नीली चुनरी चढ़ाना शुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं, तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, किंतु एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। किंतु आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी। माँ तुलसी को सदैव ओढ़ानी चाहिए, बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज होती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, होती है स्वर्ग की प्राप्ति, माँ बद्धि प्रसन्न होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव कलह पाप दोख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें, तुलसी माँ होती है। क्रोधित जहां तुलसी का पौधा होता है वहां आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते चप्पल झाड़ू पोछा रखना भी पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थकारी माना जाता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र नहीं रखना चाहिए। साथ ही तुलसी में दीपक जलाने के पश्चात दीपक को वहां से हटा देना चाहिए।
क्योंकि तुलसी के नीचे हुआ दीपक रखना अशुभ माना गया है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहां भी हो वहां पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। माता क्रोधित होती है, तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कूड़े में करना चाहिए, पानी में या मिट्टी में दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को पूजा करनी चाहिए। बाकी हर दिन तुलसी की सुबह पूजा करनी चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के पश्चात खुले बाल में ही तुलसी को जल देती है। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान मिला है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्ध के लिए बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, चाहे मर जाना किंतु भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना। दोस्तों, कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना। इससे नकारात्मक ऊर्जा का साया प्रवेश करता है और माता तुलसी नाराज हो जाती है। घर में सूखी तुलसी नहीं रखी जाती, इससे अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है। घर की सुख समृद्धि सब खत्म हो जाती है। घर में सुखी तुलसी होने से माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती, चाहे कुछ भी हो। यदि आपकी तुलसी सुख गई है तो इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आ सकता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सुखी तुलसी घर में लगाने पर माँ तुलसी का अपमान माना गया है। ऐसे घर से हमेशा सदैव के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती है। दोस्तों, मासिक धर्म में किसी भी पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए, खासकर तुलसी में तो भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी का पौधा सूख सकता है और घर की सुख शांति सब भंग हो सकती है। तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। तुलसी के पौधे में केमिकल नहीं डालना चाहिए। तुलसी में सदैव खाद्य पदार्थ या कंपोस्ट ही डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में छल देते समय पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए और वो जल के पैरों में नहीं गिरना चाहिए। इससे धन हानि का खतरा बना रहता है और व्यक्ति को पाप लगता है। तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सकारात्मकता का संचार पूरे घर परिवार पर बना रहता है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। खासकर तुलसी के पत्ते को नाखून से तोड़ने पर व्यक्ति को बीमारी लगती है, उल्टा घर में बीमारियां करती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा सदैव घर के बीचों बीच में लगाना चाहिए। इसे बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। तुलसी का पौधा घर में लाने से पहले सदैव याद रहे, बुरे भाव से घर में नहीं लगाना चाहिए। अर्थात लालच में आकर तुलसी का पौधा कभी घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, यदि आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आए तो आप अपने पड़ोसियों में किसी को दे सकते हैं। में कहा जाता है कि एक से ज्यादा तुलसी जब घर में निकल आती है तो वो बहुत ही शुभ माना गया है। ये साक्षात माता लक्ष्मी के आने के संकेत माने जाते हैं। देवी लक्ष्मी आपसे बहुत खुश है। तुलसी के पौधों को विषम संख्या में रखना चाहिए, जैसे 3, 5, 7 आदि। तुलसी में कभी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। गणेश की प्रतिमा भी तुलसी में नहीं रखनी चाहिए, इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नियमित तुलसी दीपक जलाने से कई करोड़ों पुण्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। दोस्तों, होता है घोर अनर्थ, ऐसे पौधे लगाकर माँ तुलसी नाराज हो जाती है घर में। तुलसी के पास इन पौधों को कभी नहीं लगाना चाहिए। ये पौधे अशुभ होने के साथ साथ पूरे घर का विनाश भी करते हैं। माँ तुलसी होती है क्रोधित, आज ही इन पौधों को घर से बाहर करें। दोस्तों, यकीन माने, हम आपको शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं कि वो पौधा कोई और नहीं बल्कि नागफनी का पौधा है। जी हाँ, नागफनी का पौधा तो आपने जरूर देखा होगा। आपको बता दें, आप ऐसे कई घरों को देख सकते हैं जहां पर नागफनी पौधा कभी नहीं होता है, क्योंकि ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। शास्त्रों के अनुसार पुराणों में बताया जाता है कि जो पौधा हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना करके कांटे की उत्पत्ति करता हो, जिसमें पत्तियां ना के बराबर हो, ऐसे पौधों को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। खास तौर से बताया जाता है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर नागफनी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। खासकर बात जब पौधे की आती है तो घर में कभी भी तुलसी के पास नागफनी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। माता तुलसी के साथ साथ महालक्ष्मी भी ऐसे घर में वास नहीं करती जहां पर नागफनी का पौधा होता है।
इसलिए आज ही अपने घर से इन पौधों को बाहर कर दें। ये पौधा अशांति फैलाने के साथ साथ भूत प्रेत आत्माओं को भी आकर्षित करता है। ये बुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि यदि माता तुलसी के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा भी जो व्यक्ति पाना चाहता है तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ विष्णु की कृपा भी मिलती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दोस्तों, जिस घर की तुलसी में ये एक चीज नहीं रखी जाती तो उस घर से लक्ष्मी कोसों दूर रहती है, साथ ही तुलसी माता होती है क्रोधित, और आप कोई भी कार्य करोगे कभी सफल नहीं होंगे। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में है तो उसके साथ शालिग्राम को जरूर रखें, वरना बुरा समय आपको घेर सकता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना है। इसे बहुत सहेज कर रखना चाहिए। मान्यता है कि इसमें अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाए जाते हैं, और जिस घर में तुलसी के साथ शालिग्राम को भी रखा जाता है उस घर में विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। धन दौलत की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है, खुशी उस घर में अपना बसेरा बना लेती है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जिस घर में शालिग्राम रखा होता है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है, साथ घर में कोई भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित नहीं होता, तरक्की आपके कदम चूमती है। पुराणों में यहां तक कहा गया है कि जिस घर में शालिग्राम हो वो घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। इनके दर्शन और पूजन से समस्त भोगों का सुख मिलता है। स्वयं भू होने के कारण इनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। यदि इसे घर में तुलसी के पौधे के नीचे रखकर पूजा की जाती है तो घर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है। में कभी भी पैसों से संबंधित कोई समस्या नहीं रहती। मृत्यु काल के समय इनके चरणामृत का जल प्राचन करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पा लेता है तो विष्णु लोक को चला जाता है। ये औषधि के समान होता है, जो का सेवन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चरणामृत ग्रहण करने के पश्चात बहुत से लोग सिर पर हाथ फेरते हैं, किंतु शास्त्रीय मतानुसार ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। चरण सदैव दाएं हाथ से लेना चाहिए और श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन को शांत रखकर ग्रहण करना चाहिए। इससे चरणामृत अधिक लाभ होता है। जिस घर में शालिग्राम का नित्य पूजन होता है उसमें वास्तु और बाधाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। यदि आप घर में असली शालिग्राम ले आए हैं किंतु उसकी ठीक से नियम से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगा। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए, विष्णु की मूर्ति से कहीं ज्यादा उत्तम है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रखा जाता है। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। जिस घर में शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। शालिग्राम पूजन करने से अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सात्विकता का प्रतीक है। उनके पूजन में आचार विचार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो यह थी आज की खास जानकारी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।